सबसे ज़्यादा उनका मुद्दा था 1 सितंबर को जब कॉल आया था उन्होंने भाई मैं राष्ट्रीय। आपको कट कर रहा हूं, राजश्री और शर्लिन के मुद्दे उनसे ही नहीं निपटाऊंगा, लेकिन मुझे मुझे कोई लेना नहीं, देना आदि नहीं है आदिल सर और उन्होंने वी आर आपको आस्किंग आपको जोड़ा है ना, उन्होंने उन्होंने आपको आदिल व्हाट जोड़ा। वी आर आस्किंग ना, वी आर गोइंग, आपने क्या कहा उनके मुद्दे उनको, बट क्या होता है आदिल पता है कि एक जो गंभीर आरोप लग जाते हैं आप पे, एक गंभीर आरोप लगा है कि आपके फोन में वीडियो है, आपने मुझे सरेंडर कर दिए, बट आपको क्या लगता है ये गंभीर आरोप क्यों लगे? शर्लिन कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके साथ किए थे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके साथ किए, कर रहे हमें एज अ मीडिया पर्सन वी गेट द कॉमेंट्स व्हाट आर द ट्रूथ, वी नीड टू से द पीपल द ट्रूथ, तो ये बात मैं पूछ रहा हूँ आदिल आपको क्यों लगती है कि शर्लिन ने ये जो आरोप लगाए आप पे कि वीडियोस देखे उन्होंने, उन्होंने कहा कि आदिल भाई डिलीट कीजिए डिलीट कीजिए, ये वो आरोप चिल्ला किस मेरे आरोप प्रेस में कितनी कॉन्फ्रेंस। सच्चाई है आदिल ये जानना चाहते क्योंकि ये बात आपसे जुड़ी है आदिल। सबसे पहले अगर मेरे पास वीडियो होते, देखो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सक रहा लेकिन इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए, मेरे पास वीडियो होते तो मैं तो कहीं ना कहीं उसको लीक करता। राइट मैं कह रहा हूं साफ साफ कि ये वीडियोस हैं राखी के पास, राखी इसको लीक करती अगर उसके पास होते तो वो लीक कर रही है, अगर मेरे पास होते तो कहीं ना कहीं लीक होना था ना मेरे हाथ से, राखी तो लीक कर रही है उसको, मेरे पास कुछ भी, मैं ऐसा टाइप का इंसान हूं ही नहीं जो ये चीज करूं ये फालतू चीजें करूं। और रही बात शर्लिन की, वो आगे से मेरी सपोर्ट में आई थी, अगर राखी ने उनको क्या ब्रेन वॉश किया है मुझे नहीं पता ना मुझे जानना है, मेरी लड़ाई स्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ राखी सावंत से है, आई डू नॉट वॉन्ट टू ऑफ बीट दैट, और राखी प्लीज जितने मेरे आरोप आपके पास विद प्रूफ लगे उसके बारे में आप जवाब दीजिए, अगर आपको आपको लगता है आपके पास जवाब नहीं और आप झूठी हो आप आके कन्फेस मत करो, आप प्लीज कोर्ट में आ जाओ, लेट्स स्टॉप दिस एंड आदिल हैव। एक सवाल मेरा भी है कि शर्लिन ने बोला कि 1 सितंबर को फोन किया, उनको फोन आया राष्ट्री की तरफ से कि आदिल तुम्हारे साथ है तुम्हारे साथ है, तब लाइव लोकेशन के बारे किसका में फोन आया था किसको? राष्ट्री का फोन शर्लिन को गया रात के समय में राष्ट्री का फोन शर्लिन को को गया, गया कि ठीक आपके है साथ आदिल है क्या, आदिल के लिए खाना ऑर्डर कर रही है, आदिल वो इंटरव्यू दे रहे हैं क्या? देखे ये चीजें आप उनको ही पूछ सकते हो, लेकिन मुझे तो नहीं पता। नहीं शर्लिन ने तब आपको कॉल किया और आपको कॉल किया कि वो बोला कि हाँ ऐसा ऐसा। एक बार मुझे उन्होंने कॉल किया था, कुछ उनके उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी डेफिनेटली, बट येट देखिए ऐसे आरोप जो आप मुझे आके पूछते नहीं हो, उन्होंने एक सेकंड लेट मी टॉक, हाँ ऐसे आरोप जो आप मुझे आके पूछते हो एक लेम आरोप, इसको क्लियर मैं कहाँ करके बैठू, लेट मी टॉक लेट मी फिनिश फिर आप मुझे पूछना, अगर आपका जवाब नहीं मिला मैं वापस आपको इस आरोपों पे कहाँ जवाब दूं, मेरे मुद्दे में राखी के साथ जो रखा हूं मैं उस पर लड़ लूं ये मुझे मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, शरीन और राष्ट्रीय का कुछ झगड़े हैं वो उनको वो उनके हैं, मैं अकेला हूं मेरी लड़ाई में लड़ रहा हूँ, वो लोग आगे से आके जुड़े थे आज वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं, आई हैव नो नथिंग टू डू विद इट, मेरी लड़ाई मैं अकेला लड़ूंगा, मेरे पास एविडेंसेस है मैं लड़ूंगा, मैंने जेल खामाखा राखी के चक्करों में काटा है, राखी ने मुझे लूटा है, शी इज डन अ फाइनेंशियल फ्रॉड विथ मी, राखी ने मेरे साथ जो जो के मैंने हर चीज का प्रूफ दिया है एविडेंस दिया है मैंने, और ऐसी कोई भी चीज नहीं दी है वो पेपर ये पेपर जब भी मैं बात किया, अगर इफ इट इज पेपर इट विल बी टाइम्स ऑफ इंडिया इट विल बी डेक्कन हेराल्ड इट विल बी द हिंदू इट विल बी द स्टार ऑफ मैसूर, मैंने ऐसी ही चीजों के बारे में मैंने बात किया है, और मैं आगे भी जो इंसान एक लेम इंसान भी जाके प्रूफ देख सकता है मैं इसी के बारे में बात करना जरूर चाहूंगा, पर ये जो भी नॉर्मल चीजें हैं जो शर्लिन हो गए राशि हो गए, हाँ राशि आज भी मेरे साथ खड़ी है, उनके लिए कुछ भी उनके उनके ऊपर कोई भी तकलीफ आएगी तो उनके लिए मैं भी खड़ा हूँ बिकॉज मैंने उनके लिए